नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले तीन दिन। ठीक है, अगले तीन दिन इस रिश्ते में क्या कुछ एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, देखते हैं। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना जरा भी नहीं भूलना आपको। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर। देखो गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली कोशिश करेंगे, लेकिन इस इंसान का मन करेगा कि करूँ कि नहीं, मुझे खुद होकर उससे बात करनी चाहिए कि नहीं। वो पता नहीं किस सिचुएशन में है, वो पता नहीं मेरी कुछ बात मानने की परिस्थिति में है भी या नहीं। ऐसे कुछ एनर्जी आपके पर्सन के मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इस इंसान का मन बहुत करेगा आपसे बात करने के लिए। इस इंसान का दिल करेगा, देखो यहाँ पर एस अक्षर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है, नंबर सिक्स भी है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि अगर कोई उनसे बात करने की कोशिश कर तो इंसान भी बहुत ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, और कभी कभी ये उनका जो बड़बोलापन है, ये उनका जो ज़्यादा बात करना है, ये उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा उनको कभी कभी उनको तकलीफ होती है उसी वजह से। और आने वाले तीन दिन में आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत डिस्कस करने वाले हैं किसी से। ठीक है, इस इंसान का मन करेगा कि वो या तो किसी के थ्रू आप तक तो कोई मैसेज सेंड करें या आप वो आपसे खुद बात करें। ठीक है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के दिल में। मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही कि आपके पर्सन जिस तरह से आपके लिए पैशनेट है, वी अक्षर दिखाई दे रहा है वी। ठीक है, आपके पर्सन जिस कदर आपके लिए पैशनेट है, मतलब गजब का अट्रैक्शन है उनके दिल में, गजब का। और ये इंसान मिलने की जो चाहत इसकी है ना, दिन ब दिन बढ़ती ही चले जाएगी गाइस, बढ़ती ही चले जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसे भी लोग मुझे, या तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि अगले तीन दिन कुछ इमोशनली बहुत लॉस फील कर सकती है। मुझे ज़्यादातर ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि उसने इतना ज़्यादा, देखो ये कलयुग है, यहाँ पर कोई किसी से बिना मतलब के कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो ये इंसान ऐसा है, पहली बार अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको इस इंसान को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आज के ज़माने में सच्चा प्यार मिलना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपका दिल कहता है कि यह सच्चा प्यार है तो डेफिनेटली आपको इस इंसान के लिए एफर्ट भी डालने चाहिए और बात करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि सबके सब उनसे बात करो, नहीं, जिनको लगता है कि सच में ये आपसे सच्चा प्यार करता है और सच में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है आपके लिए, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। और ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई कि आपके पार्टनर किसी और से भी बात कर सकते हैं, और मुझे ज़्यादातर वो एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई और या तो इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काता है, ठीक है, या तो कोई और चाहता नहीं है कि आप दोनों की जोड़ी बने, आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे। और अगले तीन दिन कुछ ऐसा ही घटित हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर, आपने जो इस इंसान को प्यार दिया था, जो भी पास्ट में जितना ज़्यादा आपने इस इंसान को, बहुत मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि आपने पूरा जो कुछ आप नौछार कर सकते थे सब कुछ आपने नौछार कर दिया, इतने ज़्यादा आप इस इंसान को प्यार करते थे। और कहीं ना कहीं वो सारी बातें याद तो आएगी, आपको भूलना इस इंसान को बहुत मुश्किल है गाइस, ये इंसान नहीं भूल सकते आपको, चाह कर भी नहीं भूल सकते। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि डेफिनेटली या तो वो अपने परिवार के साथ शादी की बात कर सकते हैं, या उनके खुद के थॉट्स ऐसे आ सकते हैं कि वो आप ही से शादी करेंगे। अगर उनके परिवार में रिश्ते आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसी बातें घटित हो रही हैं, हो सकता है या तो आपके परिवार में रिश्ते आ रहे, तो इनको एक डर सा लग रहा है कि अगर रिश्ते भी आ रहे तो अब बहुत कम टाइम है उनके पास, उनको अब शादी की बात कर लेनी चाहिए, उनको आपकी तरफ आ जाना चाहिए। ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आने वाले तीन दिन के अंदर आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा जो चाहत है आपकी तरफ आने की, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, आप एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे थे या कोई जॉब वगैरह कर रहे थे आप एक साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम या तो आपने पास्ट में साथ में बहुत ही स्पेंड किया है टाइम, या तो आने वाले समय में आप एक साथ टाइम गुजार सकते हैं।
प्यार ही प्यार मुझे आपके पर्सन के अंदर आपके लिए दिखाई दे रहा है गाइस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को आप समझते नहीं हो, इस इंसान की तकरार है ये आपके लिए। इस इंसान का मानना ऐसा है कि आप उनके दिल के भावनाओं को नहीं समझते हो, आप उनके प्यार को नहीं समझते हो। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में आपको कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि वो ऐसे ख्याल रखते हैं आपके लिए। उनको लगता है कि अगर शादी के लिए कोई परफेक्ट है तो वो आप हो। यहाँ तक कि वो सपने देखने वाले कि आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, इतने ज़्यादा सपने देखेंगे वो आपके लिए। आने वाले 3 दिन ये इंसान, मतलब देखो पहले ही इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, और आने वाले 3 दिन ये इंसान बहुत ही आपके लिए ड्रीम भी करने वाले हैं, बहुत सपने देखने वाले हैं आपके। मिलने की चाहत इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर ब्लॉक करके रखा है तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि अनब्लॉक कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान इस कदर देखो रूठ गया है आपका पार्टनर, कोई तो ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन नाराज है। लेकिन ऐसी बात भी हो सकती है कि अगर आपने कुछ बातें ऐसे बोल दी हो तो इस इंसान को एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर उस वक्त आपने जो बोला वो उस वक्त सही था, आपने जो किया वो सही था। ऐसे कुछ रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, और जो प्यार है इस इंसान को लगता है कि उससे कई ज़्यादा आप उससे प्यार करते हो। और आपकी ब्यूटी तो गजब ढाती है इस इंसान के ऊपर। आने वाले 3 दिन आपके पर्सन बहुत खूबसूरत फोटोज़ भी देख, हार्टशेप बन गया यहाँ पर डेफिनेटली। ओ माई गॉड, हार्टशेप बनाएगा इस, प्यार तो है डेफिनेटली है। लिब्रा राशि भी बनी है यहाँ पर, ठीक है, लिब्रा राशि हो सकती है। अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, संतुलन लेकर आना चाहते हैं। अगले 3 दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको शादी का वादा किया था, या तो वो आने वाले समय में शादी का वादा कर सकते हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर टी अप जर्नी में भी हो सकते हैं। अगर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली कुछ लोग टी अप जर्नी में हो सकते हैं। और जो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि दो दो रास्ते हैं आपके पार्टनर के पास, अब वो दूसरा रास्ता या तो करियर है या तो उसका खुद का परिवार है, एक तरफ आप हो, ऐसे दो दो रास्ते पर, एक दोहराए पर आपके पर्सन खड़े हो सकते हैं कि इधर जाए कि इधर जाए, क्या करे क्या ना करे, ऐसे सिचुएशन आपके पर्सन की हो सकती है। इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आने वाली कि वो एक खूबसूरत डेट पर आपको लेकर जाए, आपसे बात करें, अपने दिल की बात आपको बोले, आपके दिल की बात जाने, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके पर्सन को आने वाले 3 दिन में आपके लिए वो सोचेंगे। आपके कोई ग्रे कलर के ड्रेस में फ़ोटो हो सकते हैं इनके पास, या तो ग्रे कलर के ड्रेस में हो सकते हैं, या तो ब्लैक कलर के ड्रेस में भी हो सकती है कोई फ़ोटो जो इनको बहुत पसंद है या उसको वो देख सकते हैं, ठीक है। मुझे फायर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एरिज लियो सैजिटस हो सकते हैं आपके पर्सन, गुस्सा हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। इस कदर प्यार करते हैं आपसे कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और आपका प्यार इस इंसान को जो याद आने वाला है, वो जो बातें हैं, वो जो दर्द, वो जो तकलीफ है, आपके पर्सन खुद जाने के उनको क्या तकलीफ होती है आपसे दूर रह कर। अब आप बोलोगे इतनी तकलीफ होती है तो आते क्यों नहीं। अब देखो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है, हर किसी की जो विचार है वो अलग है। जिसके ज़िंदगी में क्या चले वो इंसान खुद जाने, ओके। इसलिए कोई तो ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके पर्सन नहीं आ सकते, लेकिन चाहते तो है। आने वाले 3 दिन में ऐसी एनर्जी तो है कि बात हो सकती है। यहाँ पर ई अक्षर बना है, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, ई अक्षर बना है यहाँ पर। आर भी दिखाई दे रहा है मुझे, दो आँखें दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पर बने हैं। या तो किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पर, ठीक है, यहाँ पर है, या तो किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते पर है, या तो वो आपको ज़्यादा देर ऑनलाइन वॉच कर सकते कि आप ऑनलाइन हो नहीं हो, आप किसी से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर चश्मा पहनते हो, या उनको बहुत ज़्यादा आदत है गॉगल पहनने की, उनको पसंद आता है या उनके ऊपर बहुत जचता है। आपके पर्सन एक चुंबक
मानते हैं आपको, ठीक है। और आने वाले 3 दिन इस इंसान को इतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि उनके लिए आप एक चुंबक की तरह ही काम करोगे, खींचा चले आएंगे आपकी तरफ। वो इंसान कभी भी नहीं चाहता था आपसे दूर रहना, कभी भी नहीं, लेकिन अब हालात ही ऐसे है कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनको लगता है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि इस इंसान ने एक ही बार में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की हो, मतलब हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने जॉब भी शुरू किया, साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करने की भी सोची, मतलब एक ही वक्त बहुत सारे काम करने की इस इंसान ने कोशिश की थी, और इस वजह से इनका आपके ऊपर से बहुत ज़्यादा फोकस हट गया, जबकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो अपने करियर के लिए, अपने पैसों के लिए थोड़ा सा उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर आज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड होकर भी आप एक दूसरे से दूर रहते हो, शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे से आप दूर हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। देखते हैं कार्ड से क्या आता है। चलो फटाफट अपने दी के लिए लाइक कर दो, और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको जरा भी नहीं बोलना है, थैंक यू इतना सारा मुझे प्यार देने। आप लोगों का प्यार मतलब कमाल हो यार, कितना प्यार करोगे आप मुझसे, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो बनता है आप लोगों के लिए, इतना सारा प्यार जो आप मुझसे करते हो। अब देखते हैं टैरो से क्या आता है अगले 3 दिन, क्या एनर्जी आती है। देखो मैंने बोला था ना कि अगले 3 दिन बेचैनी रहेगी, तड़प रहेगी, आपके पर्सन रात को सोने नहीं वाले। इस इंसान के मन में बहुत चिंता रह सकती है, किसी बात की टेंशन रह सकती है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खोकर या आपसे दूर जाकर आपके पार्टनर जरा भी खुश नहीं है, और ना ही आने वाले 3 दिन ये इंसान खुश रहेगा। यहाँ पर जो एनर्जी आई है लिब्रा एक्वेरस जेमिनाई की एनर्जी है। देखते हैं, कभी आपके पर्सन ने आपको गुलाब का फूल दिया था क्या, क्या आपने उनको दिया था? अगर ऐसा कुछ है तो वो गुलाब का फूल अगर आपने दिया है तो आपके पार्टनर ने संभाल के रखा है, किसी नोटबुक में ऐसे संभाल के रखा है उन्होंने वो गुलाब का फूल। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी इस इंसान की, और रात को सोने नहीं वाले आपके पर्सन। ओ माई गॉड गाइस, आपके पर्सन ने क्या झूठ बोला था आपके साथ? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो आपके साथ पास्ट में धोखा किया, अब हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन ने हो सकता है कि इस रिश्ते में आपके साथ कुछ तो बातें छुपाई थी, ठीक है, और इस वजह से आपके पर्सन को बड़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कुछ तो बातें आपसे आपके पार्टनर ने छुपाई है, और अगले 3 दिन वो उसके बारे में सोचेंगे। वापस लिब्रा एक्वेरस जेमिनाई, देखो वापस वही एनर्जी के आपके पर्सन बड़े चिंतित रह सकते हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं। आपके पार्टनर को हद से ज्यादा रिग्रेट रहेगा, जो कुछ इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है ना, उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है कि मैंने क्यों क्यों उसके प्यार को नहीं समझा, मैंने क्यों उसके भावनाओं को नहीं समझा। मैंने सही वक्त पर अगर उसको समझा होता, अगर उसको उसके प्यार को समझा होता तो आज ये हालात ना होते। ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मिस करने वाले हैं, और आप एनर्जी देख रहे हो सिर्फ सोर्स ही सोर्स है, सोर्स मतलब ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अब और ज़्यादा ओवर थिंकिंग देख रहे हो, मतलब ये इंसान इतने ज़्यादा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपके पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं, और यहाँ पर जो एनर्जी आई है आपके पर्सन की नज़र में जिस तरह से आप इंसान हो, एक बहुत ही ज़्यादा सच्चे और अच्छे इंसान हो आप, इतने ज़्यादा आपका जो प्यार है, मतलब इस इंसान को देखो द स्टार की एनर्जी है, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप बहुत प्यारे हो, और आपके पार्टनर जानते हैं इस बात को, उनको पता है कि आपके दिल में जो भी भावना है वो बहुत ही सच्ची है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को अट्रैक्शन तो होगा, फोटोज भी देखने वाले हैं आपके, और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी, वापस ओवर थिंकिंग। राशि है टोरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरिज लियो सैजिटस। टोरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन को पता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आज भले वो रूठ गए हो या आज भले जो कुछ भी सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर आने वाले 3 दिन इस रिश्ते में कैसे स्टेबिलिटी लेकर आए, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ही गजब का अट्रैक्शन आपके पार्टनर को होने वाला है, ये एनर्जी अगले 3 दिन आपके पार्टनर की रहेगी।
और देखते हैं क्या एक्शन रहेगा इनका अगले तीन दिन। हर्मिट अपनी गलतियों पर सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचेंगे कि उनकी क्या गलतियाँ हुई है आपके प्रति, उन्होंने क्या गलत किया। ये बहुत गहराई से आपके पर्सन अगले तीन दिन सोचने वाले हैं। और वर्ग राशि भी हो सकती है उनकी। देखो क्या होता है, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में समझाने की कोशिश, देखो हो सकता है कि आप मैच्योर नहीं हो इतने और आपके पार्टनर मैच्योर है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर मैच्योर है आप नहीं हो, या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। कोई तो एक आप दोनों के बीच में समझदार नहीं है और इस वजह से प्रॉब्लम हुए हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है गाइस। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि इंसान आपसे शादी की बात कर सकता है। हाँ, बर्डन हो सकता है उनको, ज़रा एक दबाव रह सकता है, या बहुत ज़्यादा बिजी भी हो सकते हैं अगले तीन दिन। उनका जो कुछ भी वो काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, लेकिन उनके मन में बार बार एक ख्याल आएगा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं कि डेफिनेटली आपके पर्सन शादी की बात कर सकते हैं आपके साथ। इन्होंने तो बहुत कुछ सपने, अगले तीन दिन तो बहुत सपने सजाने वाले हैं आपके पर्सन के, शादी होगी, बच्चे होंगे, उनका ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे। मतलब गजब का अट्रैक्शन तो आपके पार्टनर को पहले से ही है, लेकिन प्यार की भी कमी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप इस इंसान को गलत समझ रहे थे, अगर आप शिकार हो गए थे गलत फहमी का, तो आप अपने अंतर्मन से पूछो। आपकी इनर वॉइस कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगी, आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी कि आपका पर्सन सच में आपसे प्यार करता है या नहीं, ठीक है। बहुत ही यहाँ पर स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कमिटमेंट की बात हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, ठीक है। राशि है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी, यहाँ पर राशि है एरिज लियो सैजिटस, वर्गो भी है एरिज लियो सैजिटस। आपके पर्सन फायरी भी हो सकते हैं और ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है। क्या सुनना ज़रूरी है इस वक्त, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, मे बी आप अपने आसपास वाले लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हो, अपने घर परिवार वाले के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो गुस्से में आओगे तो देखो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आप शांत रहो, शांत रह के जो होगा वो गुस्सा करके नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मिरर है, हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने लगे हो, और यहाँ पर आपके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। सख्त ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, शांति रहेगी आपके, आपको सुकून मिलेगा जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको सुकून मिलेगा। नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए। गाइस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर ज़रूर वापस मिलेंगे। बस आपका विश्वास होना चाहिए, जिनका विश्वास होता है उनके साथ वही होता है जो जिस बात पर वो विश्वास करते हैं, ठीक है। तो विश्वास कायम रखो, डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हो। नंबर 6 भी आपके लिए खास हो सकता है, बर्डन मत लिया करो आप। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जो बहुत बर्डन ले रहे हो, इंट्रोगेशन है यहाँ पर, बैलेंस होगा, ज़रूर बैलेंस होगा इस रिश्ते में, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो अपनी दी को लाइक ज़रूर करना है आपको, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।